हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेसिक्स विद प्रिया। आज मैं आपको होम रेमेडी फॉर रफ हेयर एंड डैंड्रफ बताने वाली हूँ। मुझे थोड़ा वेदर चेंज हुआ है तो डैंड्रफ थोड़ा सा दिखा और हेयर रफ लगे, तो मैंने खुद ही अपनी एक होम रेमेडी तैयार की है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। मुझे थोड़ा थोड़ा यहाँ से हेयर फॉल सा लगने लगा था, तो मैंने जब वो लगाया तो मैंने बहुत चेंज इसमें फील किया है और हेयर रीग्रोथ भी देखी है। तो अभी लेटली आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा, बालों के लिए प्याज बहुत फ़ायदा करता है। तो ये सब प्रोसेस बहुत टीडियस होता है, बहुत आप प्याज का रस निकाल के बालों में लगाएं वो बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने खुद ही अपना दिमाग लगाया और मैंने ये अमेज़ॉन से कलौंजी ऑयल मंगाया। कलौंजी क्या होती है? प्याज का बीज होता है। और मैंने कलौंजी ऑयल एलोवेरा ले लिया है। एलोवेरा आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने पतंजलि का लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें मैंने कलौंजी ऑयल डाला, कलौंजी जो कि प्याज का बीज होता है, ये आपको अमेज़ॉन से या कहीं से भी मिल जाएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। और भी बहुत सारे अनियन ऑयल भी आने लगे हैं आजकल, अमेज़ॉन से मैंने एक अनियन ऑयल भी मंगाया है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालिए। इसको भी आप 3-4 ड्रॉप्स डाल दीजिए। और उसके बाद मैंने सोचा कि जो पतंजलि का एक आई ड्रॉप आता है तो इसके अंदर प्याज, शहद, अदरक और नींबू होता है, हालांकि बहुत कम कम मात्रा में होता है क्योंकि ये आईज के लिए होता है, लेकिन मुझे लगा कि ये चारों चीज़ें ही हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी हैं और डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छी है और हेयर रीग्रो के लिए बहुत अच्छी है। तो मैंने खुद ही इसकी 5-6 बूंदें इसमें डालना शुरू की। और आप बिलीव कीजिए फ्रेंड्स, मैं ये कर रही हूँ कम से कम 5-6 महीने से, और जब भी मैं इसको लगाती हूँ उसके बाद हेयर वॉश करती हूँ, इसको पूरा मिक्स कर लीजिए। ऐसे जब आप इसको मिक्स करेंगे, फिंगर से कर लीजिए कोई बात नहीं, इसको मिक्स करेंगे तो ऐसे ये एक क्रीमी कंसिस्टेंसी बन जाएगी इसकी, ऐसे वाइट क्रीम क्रीम बन जाएगा। और इसको आप अच्छे से अपने बालों में लगा लीजिए, जैसे आप स्पा क्रीम लगाते हैं या फिर आप हेयर ऑयलिंग करते हैं, आप इसको जड़ों में भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें बालों के लिए बहुत ही अच्छी हैं। फिर आपकी ये जो मैंने क्रीमी कंसिस्टेंसी वाला बनाया है, इसको ऐसे हाथ में लेकर और अपने आप जहाँ भी ड्राई हेयर हैं या कहीं भी, ऐसे थोड़े थोड़े बालों को लेकर उसमें अच्छे से आप इसको लगा लीजिए। सारे बालों में अच्छे से मसाज करने के बाद आप ऐसे कोई भी एक शावर कैप लीजिए और कवर करके बैठ जाइए एटलीस्ट फॉर 1 आवर। इससे जो आपके हेड की हीट होगी वो अंदर अंदर रहेगी और आपको स्टीम का इफेक्ट मिलेगा। सो हेयर आई एम आफ्टर वॉशिंग माई हेयर। सी, आप देख पा रहे हैं कितने स्मूथ सिल्की हो गए हैं मेरे हेयर। एंड वन मोर थिंग गाइस, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने किसी भी ऑयल का प्रमोशन नहीं किया है। आप जो भी ऑयल आपको सूट करता है आप उसमें बस एलोवेरा और पतंजलि की आई ड्रॉप डालकर ट्राई कीजिए, 2-4 बार में ही आपको ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल बेसिक्स विद प्रिया को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।